जी ये एक थी रानी एक था रावण, बहुत ही दिलचस्प टाइटल है जो कि हर जगह से पता लग रहा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है। ये एक आम डेली एपिसोड डेली सोप की तरह नहीं है, इसमें हर रंग है, डर है, खौफ है, खुशी है, रोना है, प्यार है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक हम बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं जो पैनोरमा प्रोडक्शन स्टार भारत, इन्होंने जो पहल की है स्टॉकिंग की, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और जितना हमने शूट करते हुए देखा है कि इसकी गहराई कितनी, एक एक लड़की को कितना परेशान कर सकती है मेंटली स्टॉकिंग। और मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टॉकिंग हर एक प्रॉब्लम की जड़ है जो कि कल को जाके दुगनी तिगनी चौगुनी होकर आगे बड़े क्राइम्स में तब्दील हो जाती है। तो हम ये सीख देना चाहते हैं कि इन ये जो स्टॉक करने वाले लोग हैं, इनका जहाँ सिर उठे वहीं उनको दबा देना चाहिए। मैम इसमें सास बहू वाला खेल वो सब तो नहीं है, बाकी आप देखिए 21 जनवरी को 8 बजे रात को देखिए, आप इतना ही बता सकता हूँ। शो के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं, वही चीज़ है। तो रानी जो कैरेक्टर है वो बहुत इनोसेंट सी लड़की है, और कुछ भी स्टेप लेने से पहले बहुत सोच समझ के सुलझी सी लड़की है, और कोई भी स्टेप लेती है तो ये माइंड में रखती है कि उनकी मॉम की प्रेस्टीज उनसे जुड़ी हुई है। तो ऑफ कोर्स रानी एक बहुत इनोसेंट सी लड़की है जो हर चीज़ बहुत सोच समझ के करती है। जब मेरे को स्क्रिप्ट पहली बार मिली थी तब मैं बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो चुकी थी, बिकॉज़ ये जो स्क्रिप्ट में जो रानी का किरदार है वो बहुत बहुत अच्छा है। मतलब वो एक मैसेज भेज रहा है हर नारी के लिए, हर लड़की के लिए देश की, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आप प्लीज़ उसे वहीं रोक दीजिए, वहीं स्टॉप कर दीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, आवाज़ उठाइए। तो ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे कंट्री के लिए। तो मैं बहुत खुश एक्साइटेड थी ये स्क्रिप्ट देख के, और मैं हर लड़की को ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। हाँ, मैंने खुद ने फेस किया है, बिकॉज़ मैं जब खुद बिल्डिंग से आती थी कभी कभी सेट पे, तो एक स्केड्यूल बन जाता है कि आप इतने बजे आते हो, एंड जो ऑटो ड्राइवर थे उनको एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ ठीक है आप इतने बजे निकलते हो, तो वो हमेशा वो टाइम पे आके खड़े रह जाते थे। और मुझे फेस पता चल चुका था कि एक ही फेस हर बार, तो मुझे थोड़ा सा फिशी लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, ये एक ही पर्सन हमेशा। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ ही स्टॉप कर दी, मैंने उनको बोल दिया कि प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम से मत आना वरना मैं आपके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी। तो वो चीज़ वहाँ ही स्टॉप हो गई क्योंकि मैंने राइट टाइम पे वो चीज़ रोक दी। तो हर लड़की को राइट टाइम पे उसको रोकना, शुरुआत में ही रोकना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे जाके वो बड़ी हो जाती है चीज़। आप प्लीज़ ये शो देखिए, बिकॉज़ ये बहुत सारी रियल चीज़ों के ऊपर है, स्टॉकिंग के ऊपर है जो एक्चुअली लड़कियां फेस करती है। घर का ड्रामा भी है और बहुत सारा मसाला है, एंटरटेनमेंट है, हर चीज़ है, आप प्लीज़ देखिएगा। हीरो तो कोई है ही नहीं अभी फ़िलहाल, मैं ही हीरो हूँ और हर चीज़ मैं ही हूँ, तो रानी हीरो एवरीथिंग इज़ मी। तो आप देखेंगे मेरे खुद के साथ खुद की बॉन्डिंग कैसी है शो में। 8 बजे ओनली ऑन स्टार भारत, 21st of January।